ठीक है बेटा, तो हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया था हमारे पैथोजन का कि पैथोजन क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, समझ लिया था हमने। ठीक है, अब जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, हमारे पैथोजेंस का क्लासिफिकेशन है। मतलब कोई भी डिजीज़ हो, हम सिर्फ प्लांट्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ऑल ओवर द कम्युनिटी। ह्यूमंस की भी बात होगी, एनिमल्स की भी बात होगी और हमारे प्लांट्स की भी बात होगी, लेकिन हमको बेसिक जो लेकर चलना है वो प्लांट्स के हिसाब से लेकर चलना है कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर कौन कौन से पैथोजन या कौन कौन से कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं। ओके, डिजीज़ हमने पढ़ लिया, क्या मतलब है, एक ऐसी कंडीशन जो नॉर्मल कंडीशन से अलग है और जिसकी वजह से पेनफुल सिम्टम आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिजीज़। ओके, अब डिजीज़ होने के जो हमारे पास कारण है, रीजन्स हैं, वो हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लिविंग है, जो हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसकी वजह से डिजीज हो रही है। जैसे आप जानते हैं उन चीजों को, जैसे हमने कहा किसका नाम लिखा, बैक्टीरिया का, किसका नाम लिखा, बैक्टीरिया, या हम कहें फंजाई हो गया, ठीक है, या फिर वायरस हो गया, या फिर हम कहें हमारा जो माइकोप्लाज्मा है, ये सारे हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा, एक तरह से लिविंग है कहीं ना कहीं, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या हो रही है, डिजीज हो रही है। ठीक है, लेकिन दूसरा जब हम बात करते हैं तो आपने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हुए, न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए ना, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में आपने देखा होगा नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो उससे कौन सी डिजीज होती है, पत्तियां पीली पड़ती है, क्लोरोसिस हो रहा है, बिल्कुल। कॉलीफ्लावर में क्या होती है, होलोस्टेम होती है, क्या होती है, होलोस्टेम। ठीक है, तो होलोस्टेम है वो नाइट्रोजन की कमी से नहीं है, वो ज्यादा से है, उसकी अधिकता से होती है। ठीक है, वो बोरोन की कमी से है, अगर कमी की बात करें होलोस्टेम की तो वो बोरोन की कमी से होती है, नाइट्रोजन की एक्सेस से होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये भी तो कोई डिजीज का नाम ही है ना, जब हम लिख रहे हैं होलो हार्ट या ब्लैक हार्ट हम लिख रहे हैं, या फिर बटनिंग लिख रहे हैं, या फिर हम ग्रे स्पाइक ऑफ ओट्स लिख रहे हैं जो मैंगनीज से है, ठीक है, मैंगनीज से होता है, तो ये सारी चीजें, ये भी तो कोई डिजीज ही है ना, लेकिन क्या इनको हम डिजीज कह सकते हैं क्या, पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये किसकी वजह से हो रही है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी या उसकी एक्सेस से हो रही है, क्या इनको हम कह सकते हैं डिजीज कह सकते हैं क्या, सोच के बताओ, नहीं कह सकते, क्यों। जैसे एक एग्जांपल लेकर देखें, आप कहीं पर जा रहे हैं, चलते चलते आपको ठोकर लगी पत्थर से और आपका ब्लड निकलने लग गया, ठीक है, और एक दूसरा एक इंसान है जिसको किसी मच्छर ने काट लिया और फिर उसका ब्लड निकल रहा है, ठीक है, तीसरा कोई इंसान है जिसको कोई डिजीज़ है, एक्चुअली हम कहते हैं जैसे किसी को कुष्ठ हो गया या कोई भी दूसरी डिजीज़ हो गई और फिर उसका ब्लड निकल रहा है, तो हम डिजीज़ किसको कहेंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है उसको, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से होगा उसको हम कभी भी डिजीज़ नहीं कहेंगे। मीन्स अगर एनवायरमेंट के चेंज की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा लू चल रही है तो पौधे सूख जाते हैं, तो हम कह सकते हैं ना पौधा नॉर्मल नहीं है, तो उसको हम डिजीज नहीं कहेंगे बिकॉज वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो हमारी पहली कंडीशन डिजीज के लिए क्या होगी बेटा, कि इट शुड बी अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसा होना चाहिए बेटा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा तो हम उसे डिजीज भी नहीं कह सकते, ये चीज हमें ध्यान रखनी है और कुछ ध्यान नहीं रखना। ठीक है, तो फिर बात आती है कि अगर हमारे पास कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इससे तो आपने क्या कह दिया कि इससे होगी तो उसको डिजीज कहेंगे। ठीक है, अब मान लिया हमारे पास कोई नॉन लिविंग थिंग है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ एबनॉर्मल चीज हो रही है, जैसे हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, उसे क्या कहा जाए, सोच के बताओ, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से क्या होता है, डिजीज होती है, डिजीज नहीं थी, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसे क्या कहते हैं, डिसऑर्डर कहा जाता है, किस क्या कहा जाता है बेटा, डिसऑर्डर कह सकते हैं, उसको हम डिजीज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसको,
डिसऑर्डर कहेंगे। ये दोनों के अंदर हमको डिफरेंस याद रखना है। ओके, तो हम हमारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? फंजाई है। कौन सा है बेटा? फंजाई। ठीक है, फंजाई जो है, इसके बाद हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे, वायरस पढ़ेंगे, वायरोइड पढ़ेंगे। इनके लिए हमें कुछ कॉमन चीजों की बात करनी है, वो हम समझ लें। ठीक है, पहली चीज हमें क्या बात करनी है बेटा? टाइप ऑफ सेल की बात करनी है। किसकी बात करनी बेटा? टाइप ऑफ सेल, कि इनके अंदर जो सेल है वो किस टाइप की है, वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ओके, प्रोकैरियोटिक का मतलब आपको पता है क्या चीज होती है? प्रोकैरियोटिक ये न्यूक्लियस से कनेक्टेड है। चलो अब बताओ प्रोकैरियोटिक क्या चीज है। देखो दो कॉन्सेप्ट है, यहीं पर बता देता हूं। ओके, एक होता है प्रोकैरियोट, ठीक है, और एक होता है यूकैरियोट। ओके, प्रोकैरियोट या प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और यूकैरियोट वो होते हैं जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है उसके बाहर दो न्यूक्लियर वॉल प्रेजेंट होगी, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होगी, उसको हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक। और जिनके अंदर न्यूक्लियस के बाहर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कहेंगे। आगे बात समझ में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये जो हमारी फंजाई होती है वो कैसी होती है बेटा? यूकैरियोटिक होती है। कैसी होती है? यूकैरियोटिक। ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमको याद किसके लिए करनी? आईसीआर के लिए करनी। अगर आईसीआर की तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें समझना जरूरी है, क्योंकि आईसीआर कैसे कंफ्यूज करता है हम अभी देख लेंगे। तो पहली चीज, फंजाई कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है। क्लियर है? सेकंड हमें क्या ध्यान रखना है? फंजाई जो है वो कैसी होती है बेटा? क्लोरोफिल लेस होती है। कैसी होती है? या फिर हम इसको दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, इट लैक्स क्लोरोफिल। मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसका क्या मतलब? वो ग्रीन कलर की नहीं होगी। ठीक है, तो फंजाई ग्रीन कलर की नहीं होती, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, अब बात आती है कि ये क्लोरोफिल नहीं होता है तो क्या खुद का फूड खुद बना सकता है क्या? सोच के देखो, बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर क्या रहता है? डिपेंड रहता है। ठीक है, और हमने पहले ही बात करी है, द ऑर्गेनिज्म विच इज डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द फूड इज नोन एज पैरासाइट। क्या कहेंगे? पैरासाइट कहेंगे। तो ये किस फॉर्म में रहते हैं? पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं। सिंपल सा। ओके, नेक्स्ट बात करें, दीज कैन बी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। ठीक है, इसका क्या मतलब है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लेवल कौन सा होता है बेटा? या तो यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर। यूनि का मतलब सिंगल सेल और मल्टीसेल्यूलर का मतलब बहुत सारी सेल्स। ठीक है, तो सिंगल सेल की हमारी फंजाई भी हो सकती है और बहुत सारी सेल्स की भी हो सकती है। देन दे आर ब्रांच्ड। वो कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं, मतलब उनकी बॉडी जो है वो कैसी है? ब्रांचेस में डिवाइडेड है, जैसे हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स में भी ब्रांचेस होती है ना, बिल्कुल इसी तरह ब्रांचेस किसके अंदर होती है? फंजाई के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, देन इसको हम क्या कह सकते हैं? उनकी बॉडी कैसी है? ट्यूबुलर है। कैसी है? ट्यूबुलर, मतलब ट्यूब लाइक है। ओके, ट्यूब का मतलब क्या होता है? देखिए, ट्यूब का मेन कैरेक्टर क्या होता है? ओके, कैरेक्टर मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, उसका वर्क नहीं, मतलब उसकी शेप का सबसे बेस्ट जो है वो क्या होता है? सिलेंडर शेप। ठीक है, हम यहां पर कह सकते हैं ये हमारे पास जो है बेटा, ये क्या है? एक ट्यूब है। ओके, मतलब कैसा है? सिलेंडर है, गोल है, लंबी है, लेकिन अंदर से कैसी है? खोखली है। इसे क्या कहा जाएगा? ट्यूब कहा जाएगा। तो हमारी जो फंजाई है उसकी बॉडी भी कैसी होती है बेटा? ट्यूबुलर होती है, मतलब इसके अंदर बाहर की तरफ क्या होगी? एक सेल वॉल या जो भी हम कह सकते हैं, बाहर कवरिंग होगी, और इसके बाद अंदर कैसी होती है? होलो होती है, अंदर सॉलिड नहीं होगी। ठीक है, अंदर लिक्विड हो सकती है, वो चीज सही है, अंदर लिक्विड हो जाएगी लेकिन अंदर सॉलिड पार्ट प्रेजेंट नहीं होगा, इसीलिए उनकी बॉडी कैसी है? ट्यूबुलर है। नेक्स्ट बात करें, दे आर स्पोर फॉर्मिंग। ठीक है, तो हम यह किसकी बात कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रिप्रोडक्शन। ठीक है,
ये किससे होता है? बाई स्पोर फॉर्मेशन। किससे होगा बेटा? स्पोर फॉर्मेशन मतलब ये रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या बनाती है? स्पोर्स बनाती है, ठीक है। और स्पोर्स का सिंपल मीनिंग क्या होता है? सीड। क्या मतलब होता है? सीड, ये बीज बनाती है। लेकिन क्या ये बीज हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। फंजाई को देखा है भी, हमारी ब्रेड के ऊपर दिखती है कई बार, व्हाइट व्हाइट कलर की लगी, अचार पे दिख जाती है ना। तो वो कब दिख रही है बेटा? जब उसकी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, जब वहां पर मिलियंस ऑफ फंजाई एक साथ है, तब हमको दिख रही है। बाकी क्या एक सिंगल फंजाई को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो उसके सीड को भी नहीं देख पाएंगे हम, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस और कुछ नहीं। तो बिल्कुल छोटे छोटे जो सीड्स बनाती है हमारी फंजाई, उसको हम क्या कहते हैं? स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोर। ओके। और फिर बात करें लास्ट हमारे पास, तो ये कैसी बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कैसी है? मतलब इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ओके, सिंपल सा है। तो ये हमारे क्या है, एक डेफिनेशन तैयार होती है किसकी? हमारे फंजाई की। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आईसीआर में फ्रेम हो सकता है। ओके, क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फंजाई। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि इस फंजाई के लिए करेक्ट क्या है। ओके, आपको फर्स्ट पॉइंट दे देगा, फंजाई आर यूकैरियोटिक। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दे देगा, फंजाई डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन देयर सेल्स। ये भी सही है। तीसरा आपको दे दिया, फंजाई प्रोड्यूस स्पोर फॉर रिप्रोडक्शन। ये भी सही है। लास्ट दे देगा ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ द अबव जाएगा। तो ये हम आंसर कब कर सकते हैं बेटा? जब हमें ये सारी चीजें पता होगी तब। और आईसीआर जो है उन्होंने हमारे लिए एक बुरी चीज भी कह सकते हैं, अच्छी चीज भी कह सकते हैं, दोनों चीजें हैं। ना पढ़ने वालों के लिए बहुत बुरी चीज है और पढ़ने वालों के लिए काफी अच्छी चीज है। ओके, जो कॉन्सेप्ट्स को समझ के पढ़ता है, जो कॉन्सेप्ट को अच्छे से, उनको रटने की कोशिश नहीं करता, उनको सबको समझ के पढ़ता है, उनके लिए आईसीआर ने अच्छा इसलिए कर दिया क्योंकि अब आईसीआर ऐसे क्वेश्चन से देने लग गई है। ठीक है, इस बार का जो पेपर आया था उस पेपर में बच्चे 50% भी स्कोर नहीं कर पाए। ओके, मान लिया अगर 300 नंबर का पेपर था तो बच्चों से 150 नंबर भी नहीं आ रहे उसमें। रीजन क्या था? एक सिंगल रीजन कि उन्होंने जैसे क्वेश्चन पूछते ना, राइस में खेरा डिजीज किसकी कमी से है, चार ऑप्शन दे दिए, जिंक, नाइट्रोजन, बोरोन, कैल्शियम। तो हम क्या करें? जिंक कर देंगे, हमें पता है। लेकिन आपको अगर इसी क्वेश्चन को चेंज करके दे दे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर खेरा डिजीज, स्टेटमेंट दे दिया। पहला स्टेटमेंट दे दिया, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई वाई एल ने। सेकेंड ऑप्शन आपको दे दिया, इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। तीसरा आपको दे दिया, इट अकर्स एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। और चौथा आपको दे दिया कि इट वॉज डिस्कवर्ड एट GBPUAT पंतनगर। अब इसमें से क्या गलत है बताओ? नहीं पता ना। क्यों? क्योंकि हमें उस पूरे टॉपिक के बारे में अभी पूरी नॉलेज नहीं हुई है ना। जिस बच्चे को ये पता है जिंक के, इसके खेरा डिजीज के बारे में, ये चारों पॉइंट अगर किसी को पता है तो वो आराम से इसका आंसर दे सकता है ना। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट भी है, एक माइनस पॉइंट भी है। ओके, माइनस पॉइंट किसके लिए? जिस टॉपिक्स को हम सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं, जिसको हम समझ के नहीं पढ़ रहे हैं। पर प्लस पॉइंट उसके लिए है जिस टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से, ढंग से, तरीके से पढ़ा है, उसके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके, और जब आप खुद ही ये चीज़ देख सकते हो, आप खुद जिनका सिलेक्शन इस साल आईसीआर में हुआ उनसे बात करोगे, या फिर कभी कोई आकर आपको बताएगा कि मैंने कितने क्वेश्चन करे, तब पता लगेगा कि 50% के आसपास तो उनकी फर्स्ट रैंक जा रही है। ओके, तब इतने हम इतने भी फिर कह सकते हैं कमजोर दिमाग वाले नहीं है कि हम, अगर हमारे पास 120 क्वेश्चन है तो 60 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए, कर सकते हैं ना इतना। बस हमें क्या करना है कि उनको करेक्ट करने की तरफ ध्यान देना है। और वो ध्यान कैसे जाएगा बेटा? जब आप कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लोगे। तो हमें कभी भी हमारा टॉपिक जो है, अब आज से कभी भी टॉपिक को हमें मतलब एक तरह से अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आता उसके पीछे पड़ जाओ कि मेरे को समझना ही है, जब तक नहीं समझूंगा तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। लेकिन उससे कभी भी दूर भागने की जरूरत नहीं है कि ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, मैं इसको नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको पढ़ो अच्छे से, आपको आईसीआर में उससे फायदा जरूर होगा। आपको कोई टॉपिक यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो इसका खुद मतलब समझ लो, किसी और बच्चे को भी तो नहीं आ रहा होगा, है ना।
और एग्जाम में अगर तुमने उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया और उससे कोई क्वेश्चन आ गया तुम सही कर दोगे, वो बच्चा गलत कर देगा, है ना। तो इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर ले। इनका मतलब तो समझ में आ गया, यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या है, पैरासाइट्स क्या होते हैं, प्रीडेटर्स क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट हैं हमारे, ठीक है। जिसे आज ही हमने वहां बात करी थी उस क्लास के अंदर कि ब्राउन मैन्यूरिंग क्या होती है, बताओ ब्राउन मैन्यूरिंग क्या चीज है, खाद है। ब्राउन का मतलब क्या है, भूरा, मैन्योर का मतलब खाद, भूरी खाद, हिंदी में कहते भी उसको भूरी खाद है। भूरी खाद क्या चीज है, व्हाट इज ब्राउन मैन्योरिंग, ब्राउन कलर की मैन्योर, तो मैन्योर ब्राउन कलर की तो होती है। फिर हम उसको दूसरों को ब्राउन मैन्योर क्यों नहीं कह रहे, हम कॉन्सेप्ट क्यों लाए ब्राउन मैन्योर का फिर, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइस की क्रॉप से। राइस की जो क्रॉप होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ढेंचा को ग्रो करते हैं, किसको, साइंटिफिक नेम क्या है, सेसबेनिया रोस्टाटा, ठीक है, सेसबेनिया, हाँ ढेंचा, सेसबेनिया रोस्टाटा को ग्रो करते हैं। और जब वो एक महीने का हो जाता है, डेढ़ महीने का हो जाता है, तो हम 2,4-D छिड़क देते हैं, ओके। तो 2,4-D छिड़क दिया तो राइस की क्रॉप तो खराब नहीं होती, क्योंकि बिकॉज इट इज अ मोनोकॉट क्रॉप, ठीक है। लेकिन हमारा ढेंचा जो है वो डाइकॉट क्रॉप है, कौन सी फैमिली का है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी गुड, फेबेसी का है, लेग्यूमिनेसी का, ठीक है। तो इसीलिए वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो सूख जाता है, भूरा पड़ जाता है, और फिर हम क्या करते हैं उसको मिट्टी में मिला देते हैं, तो वो ब्राउन हो गया और उसी को हमने मिट्टी में मिला दिया फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, ब्राउन मैन्योरिंग कहते हैं, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट हमारे पास है। तो ये चीजें हमको जब तक इनके बारे में पूरा पता नहीं होगा आप इसको आंसर नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट जो है उनको समझने की कोशिश करें, कोई दिक्कत आती है तो मुझसे बात करें, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई के बारे में, कि हमारी फंजाई जो है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। डेफिनेशन हमने देख ली, ठीक है, कैरेक्टर्स क्या है वो देख ले। पहला हमारा जो कैरेक्टर है बेटा वो किसके बेसिस पर है, हैबिटेट के बेसिस पर, किसके बेसिस पर, हैबिटेट के बेसिस पर। और हैबिटेट का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल सा नेचर, क्या मतलब होता है, नेचर, कि उसका नेचर कैसा है, ओके। तो सबसे पहले ही हमें चीज तो ध्यान रखनी है बेटा, वो क्या है, क्लोरोफिल लेस, मतलब क्या है, दे लैक क्लोरोफिल, ओके। और अगर ये क्लोरोफिल नहीं होगा उसके अंदर तो वो कैसे हो जाएंगे बेटा, दे आर मोस्टली पैरासाइट्स, कैसे होते हैं ये, पैरासाइट्स होते हैं, ओके। और पैरासाइट्स का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। सेकंड हम बात करें बेटा इसके अलावा ये क्या हो सकते हैं, दे कैन बी सेप्रोफाइट्स, कैसे हो सकते हैं बेटा, सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं, ओके। सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है बताओ, एक तो है हमारा पैरासाइट, एक कौन सा है, सेप्रोफाइट, ठीक है। एक बार अभी सिर्फ नाम लिख लो, अभी कॉन्सेप्ट इसके जस्ट बाद आने वाला है, वहां पे हम अच्छे से इसको समझ लेंगे, है ना, कि पैरासाइट क्या होते हैं, सेप्रोफाइट क्या है, डेट्राइटिवोर्ड्स क्या होते हैं, बहुत सारी हमारे पास कॉन्सेप्ट है, वो सारे एक साथ हम देखेंगे। एक हमारे पास है बेटा हाइपर पैरासाइट, ठीक है। हाइपर पैरासाइट का सिंपल मीनिंग क्या है बेटा, अ पैरासाइट विच लिव्स ऑन अदर पैरासाइट, ओके। एक ऐसा पैरासाइट जो किसी और पैरासाइट पर रहता है उसको हम क्या कहेंगे, हाइपर पैरासाइट कहेंगे। और जब हम इसी हाइपर पैरासाइट की बात करते हैं किसके अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, पैरासिटॉइड कहते हैं, क्या कहते हैं, पैरासिटॉइड। और हम इसकी बात कर चुके हैं, ठीक है, हम अच्छे से जानते हैं टिलोनिमस और ट्राइकोग्रामा, है ना। ट्राइकोग्रामा कैसा था, एग पैरासिटॉइड, और टिलोनिमस लार्वल पैरासिटॉइड था, है ना, याद आई ना चीज, ठीक है। तो ये हमारा हाइपर पैरासाइट, एक हमारे पास पैरासाइट और एक कौन सा हमारे पास, सेप्रोफाइट। ये इस तरह से क्यों रह रहा है बेटा, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, ओके। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसीलिए दूसरों पर डिपेंडेंट रह रहा है, क्लियर है चीज, कोई डाउट इसमें नहीं, आगे चले। नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला जो इसका कैरेक्टर है वो कौन सा है, थैलस, कौन सा है बेटा, ठीक है। थैलस क्या है, टाइप ऑफ बॉडी ऑफ फंजाई, ठीक है। तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखना चाहे, ठीक, तो हम लिख सकते हैं इसको
टाइप ऑफ बॉडी ऑफ अ फंजाई क्या कहलाएगी बेटा? वो थैलस कहलाएगी। क्या कहेंगे उसको? हम थैलस कहेंगे। अब थैलस क्या चीज होती है इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है? थैलस क्या है? बॉडी विच इज नॉट डिवाइडेड इंटू बॉडी पार्ट्स लाइक लीफ स्टेम रूट एक्सेट्रा, ठीक है? तो थैलस का मतलब क्या है बेटा? एक ऐसी बॉडी जिसको हमने डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हम बात करते हैं किसी आटा है, ठीक है? आटा है, आटा होता ना जिसे हम चपाती बनाते हैं, ठीक है? तो हमने आटा लगा लिया। अब आपसे मैं पूछूं इस आटे की शेप क्या है, तो आप उसको गोल भी बना सकते हैं, चौकोर भी बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर बना, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसी बना सकते हैं, ठीक है? क्या उसकी पर्टिकुलर शेप है? क्या नहीं है? आपने अमीबा का नाम सुना है, ठीक है? अमीबा की बॉडी की कोई शेप होती है क्या? नहीं होती, इरेगुलर है। बिल्कुल उसी तरह से फंजाई जो है उसकी भी बॉडी की कोई शेप नहीं होती है। ये जिधर बढ़ गई उधर ही बढ़ जाएगी बस, ठीक है? दूसरा, इसकी बॉडी को आप डिवाइड नहीं कर सकते पार्ट्स के अंदर। जैसे हमारा एक प्लांट है, प्लांट के अंदर आप कहोगे कि रूट है ना? ऊपर कह दोगे सर ऊपर लीफ भी लग रही है, फ्लावर भी लग रहा है, कोई फ्रूट भी लग रहा है, ठीक है? ये सारे क्या है? बॉडी पार्ट्स है। बट इन केस ऑफ फंजाई हम उसकी बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ओके? हम देखकर नहीं बता सकते कि ये फंजाई का हेड है, ये उसकी टेल है, या फिर ये इसका स्टमक है, हम उसको नहीं बता सकते, ठीक है? तो एक ऐसी बॉडी विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इज नोन एज थैलस। उसको क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं, ठीक है? आ गई बात समझ में, ओके? हाँ, ट्यूबलाइक जो है वो किस लिए बताई? कि इसके अंदर जो बॉडी है, देखो एक बार इसको समझना। ट्यूबलाइक जो है वो हमने इसलिए देखी क्योंकि इनकी जो बॉडी है उसको हमने कहा कि ये जो है वो कैसी है, हमारे एक होलो ट्यूब की तरह बन रही है, ठीक है? अब यहां पर हमने दूसरी बात क्या करी थी बेटा, कि ये कैसी है? ब्रांच्ड है। कैसी है? ये भी हमने बात करी थी, ठीक है? तो यहां पर जब हमने बात करी इसकी, तो ये तो हमारी अंदर से खाली ट्यूब है, तो हमने इसको क्या कहा? ट्यूबुलर कह दिया, कोई डाउट नहीं इसमें। सेकंड, हमने कहा ब्रांच्ड है तो ये ब्रांचेस निकल रही, ब्रांच्ड कह दिया। लेकिन क्या इसकी कोई पूरी बॉडी की कोई शेप है क्या? नहीं है। इसीलिए हमने इसको क्या कहा? थैलस कहा। तो तीन चीजें जो है बेटा वो अच्छे से याद रखना। इसकी बॉडी का जो टाइप होता है, ठीक है, बॉडी का जो टाइप है वो कैसा है? थैलस है। कैसा है? थैलस, ठीक है। सेकंड, इसके लिए हम बात करेंगे इसकी बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है बेटा? ऑर्गेनाइजेशन वो कैसी होती है? एक तो होती है ट्यूबुलर, मतलब ट्यूब से बनी हुई या ट्यूब्स की तरह, और दूसरी जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा वो कैसी है? ब्रांच्ड है। कैसी है? ब्रांच्ड, ठीक है। तो ट्यूबुलर और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, और उसका टाइप जो है वो कैसा है? थैलस है। इस चीज को अच्छे से याद रखनी है, टाइप है वो, इसकी बॉडी का नाम नहीं है, टाइप है, ओके? तो टाइप कैसा है इसका? थैलस होता है, और थैलस का मतलब हमने समझ लिया ऐसी बॉडी जिसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। कोई डाउट इसमें? नहीं। चलिए फिर इसके बाद हम बात करें बेटा नेक्स्ट, इसके अंदर जो हमारा टर्म है वो क्या है? माइसीलियम। कौन सा बेटा? माइसीलियम, ठीक है। इसके लिए एक सिंपल सा पॉइंट जो हमें याद रखना है, क्या बेटा? अच्छा, लिखना, लिख लो एक बार। स्टार्टिंग से एक बार बाद में लिखना, फिर आया तो है ना, ठीक है, क्लास के बाद फिर इसको एक बार अपन कर लेंगे। चलिए फिर बात करें माइसीलियम की, तो इसके लिए एक सिंगल लाइन में आप याद रखना चाहो तो याद कर लेना, बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइसीलियम, ठीक है? कंफ्यूजन हुआ क्या कुछ? बॉडी ऑफ अ फंजाई इज कॉल्ड माइसीलियम। एक फंजाई की जो बॉडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। कुछ कंफ्यूजन हुआ?
नहीं हुआ। ओके वेरी गुड, इसी चीज को याद रखनी बेटा। हमने यहाँ पर किसकी बात करी है, टाइप की बात करी है। अगर आपसे टाइप पूछेगा तो टाइप तो क्या है, थैलस। और अगर उस बॉडी के नाम की बात करें, नेम ऑफ द बॉडी ऑफ फंजाई, तो उसका नाम क्या होता है बेटा, माइसीलियम होता है। क्या नाम होता है उसका, माइसीलियम। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी बेटा, बॉडी इज मेड अप ऑफ हाइफी। ठीक है, ये जो हमारा माइसीलियम है, या हम कह सकते हैं माइसीलियम इज मेड अप ऑफ स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ सामने डायग्राम में बहुत इजीली देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ब्रांचेस दिख रही हैं, दिख रही है ब्रांचेस, इसके अंदर अलग अलग इधर उधर जा रही है सारी। ठीक है, इन ब्रांचेस में आप देख सकते हैं बिल्कुल पतले पतले आपको धागे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ये जो धागे हैं, दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो हमने कहे स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइफी। और जब बहुत सारे हाइफी एक साथ मिल गए तो उस बॉडी को क्या कह देंगे, माइसीलियम कह देंगे। ठीक है, और ये जब माइसीलियम बना तो क्या माइसीलियम को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं क्या, सोचो। माइसीलियम ये आपके सामने है, क्या इसको बॉडी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, नहीं। इसीलिए हमने इसका टाइप क्या कहा, थैलस कहा। कौन सा कहा, थैलस। ठीक है, तो तीन चीजें यहां से याद रखनी है। फर्स्ट, फंजाई की बॉडी है वो स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनती है जिसको क्या कहते हैं, हाइफी। ठीक है, फंजाई की जो बॉडी है उसको क्या कहते हैं, माइसीलियम। और माइसीलियम को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, वो ऐसी बॉडी टाइप को क्या कहा जाता है, थैलस कहा जाता है। कोई डाउट रहा अब इसके अंदर, क्लियर है चीज। तीन चीजें हैं, बहुत अच्छे से याद रखना। इस पर जो क्वेश्चन जो बनता है वो बिल्कुल इसी तरह से सिंपल सा पूछता है, एज इट इज सिंपल लाइन के अंदर पूछ लेगा बॉडी ऑफ अ फंजाई इज कॉल्ड, तो माइसीलियम करना है। पूछ लेगा टाइप ऑफ बॉडी विच इज फाउंड इन फंजाई, तो कैसा है, थैलस। और स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी या स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम इज मेड अप ऑफ स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हाइफी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। चलिए फिर बात कर ले बेटा टाइप्स ऑफ माइसीलियम के बारे में। जब हम माइसीलियम की बात करते हैं तो माइसीलियम के कुछ टाइप्स हैं हमारे पास जो हमें पढ़ने हैं। ओके, बात करें कि इसको क्यों पढ़े, तो ये हमारे लिए ICAR के साथ साथ हमारे जेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार समझ गए तो फिर इसको वापस पढ़ने तक की जरूरत नहीं है। ओके, माइसीलियम की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास मेनली दो टाइप का होता है। कितने टाइप का है, दो टाइप का। एक तो होता है सेप्टेट, कौन सा होता है बेटा, सेप्टेट। और इसके अंदर जो सेप्टेट है, सेप्टेट का मतलब क्या होता है, सेप्टा का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। क्या मतलब होता है, बाउंड्री। ठीक है, तो सेप्टेट का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर बाउंड्री प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो टाइप है बेटा वो कौन सा है, असेप्टेट माइसीलियम, जिसके अंदर बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, असेप्टेट माइसीलियम कहेंगे। ओके, चलिए अब बाउंड्री से हमने समझ लिया कि इसके अंदर बाउंड्री प्रेजेंट होगी, इसकी डेफिनेशन सही से देख लें। डेफिनेशन क्या होती है बेटा इसके अंदर, इन विच माइसीलियम इज मेड ऑफ हाइफी विच आर डिवाइडेड इंटू सेल्स। ठीक है, जिसके अंदर वो किससे बने हुए हैं बेटा, किसके अंदर डिवाइडेड है, सेल्स के अंदर डिवाइडेड है, बाय, या फिर हम इसको कह सकते हैं एंड सेपरेटेड बाय अ सेप्टा। ठीक है, एक सेप्टा या फिर जो हमारी बाउंड्री है, उस बाउंड्री से क्या होती है बेटा, ये सेल्स एक दूसरे से अलग रहती हैं। ओके, तो यहां पर हम देखें कि ये हमारा क्या है, एक माइसीलियम हमको दे रखा है। ठीक है, इस माइसीलियम के अंदर ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो ब्रांच्ड है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। ठीक है, यही बात करी थी हमने। अब इन हाइफी के अंदर देखना
कि यहाँ पर एक दरवाजा सा है, इस जगह भी एक बाउंड्री है, तो यहाँ से और यहाँ पे भी एक बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ पे भी एक बाउंड्री। अब मैं यहाँ से यहाँ अगर इसकी बाउंड्री ड्रॉ कर दूँ तो ये क्या हो गई, ये कंप्लीट सेल हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे बात करूँ तो ये भी हमारी क्या हुई, ये कंप्लीट सेल हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, हुआ ना, ठीक है। तो इन महाइफे के अंदर या इन सह बॉडी के अंदर क्या हो रहा है बेटा, हमारा जो माइसीलियम है उस माइसीलियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सेल्स, ठीक है। और सेल कैसे बन रही है, ये पूरी ट्यूब है, उसके बीच में हमारे क्या है, छोटे छोटे बाउंड्रीज बीच में आ रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं, क्या कहते हैं, सेप्टा। तो ये जो सेप्टा आ रहे हैं इसकी वजह से सेल्स बन रही है, इसीलिए हमने इसे क्या कहा, सेप्टेट माइसिलियम कहा, जिसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट है, जिसके अंदर बाउंड्री प्रेजेंट है। तो हम सिंपल इसको क्या कह सकते हैं बेटा, हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है, विच इज मेड अप ऑफ हाइफे विच आर डिवाइडेड इंटू सेल्स, जिसके अंदर हाइफे जो है वो सेल्स के अंदर डिवाइड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेप्टेट माइसीलियम कहते हैं। कोई डाउट रहा, नहीं, सिंपल सा। सेकंड, इसके अंदर हमें ध्यान रखना है बेटा कि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसके लिए याद नहीं रखने हैं, ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, याद किसको रखना है, असेप्टेट को रखना है, वो हमारे लिए ईजी है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से, फिर भी चलो बात कर लेते हैं, ठीक है। एक तो होता है एस्कोमाइसीट्स, एक है बसिडियोमाइसीट्स और एक है ड्यूटेरोमाइसीट्स, ठीक है। तो हमारे लिए इसका जो ट्रिक आती है वो क्या आती है, ए बी डी आती है, क्या आती है बेटा, और ए बी डी को आप जानते हैं अच्छे से, हाँ, ए बी डी विलियर्स कौन है, क्रिकेटर है, ए बी डी विलियर्स बहुत फेमस है, उसी के नाम से ए बी डी, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बाउंड्रीज मारता है वो कौन है, ए बी डी है, कौन है, ए बी डी, ठीक है, सिंपल सा याद हो सकता है, ओके, उसी से याद रख लें इसको। एक तो है ए से एस्कोमाइसिट्स, बी से बसिडोमाइसिट, डी से ड्यूटेरोमाइसिट्स, ठीक है। तो ये तीन जो है वो क्या है, हमारे एग्जाम्पल हैं इसके, किसके, हमारे सेप्टेट माइसिलियम के, बाउंड्री वाले माइसिलियम के, ठीक है, याद रह जाएगा, ए बी डी के नाम से अच्छे से याद रह सकता है अपन को, पढ़ाई से तो वैसे ही कुछ याद नहीं रहता है ना, क्रिकेट से याद हो जाए तो वो बढ़िया है। चलो आगे बात करें बेटा, दूसरा हमारा जो माइसीलियम का टाइप है वो कैसा है, असेप्टेट है, कैसा है, असेप्टेट, जिसके अंदर बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है, या हम कह सकते हैं द हाइफी इज नॉट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेल्स इज नोन एज असेप्टेट माइसिलियम, जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस है, सेल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप देखें, ये हमारी क्या है, एक लॉन्ग होलो ट्यूब जो है वो हो गई, हाइफी हो गई, ठीक है। इसके बीच में यहां पर भी न्यूक्लियस है, यहां पर भी न्यूक्लियस, यहां पर भी न्यूक्लियस और यहां पर भी न्यूक्लियस, ठीक है। इन न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा बेटा, इसका साइटोप्लाज्म आ जाएगा ना, है ना, साइटोप्लाज्म तो होगा ना, क्या सेल बन रही है क्या, कहीं पर नहीं बन रही है ना, कहीं पर भी बाउंड्रीज प्रेजेंट नहीं है, सेप्टम प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए असेप्टेट है, ठीक है। दूसरा हम यहां पर कह सकते हैं बेटा, ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है, ये इस न्यूक्लियस का भी और इस न्यूक्लियस का भी, इस न्यूक्लियस का भी और इस न्यूक्लियस का भी, सभी का जो न्यूक्लियस है इन सबके लिए साइटोप्लाज्म एक ही है या नहीं है, है ना, एक ही है ना, पूरा का पूरा ये साइटोप्लाज्म यहां से यहां लगातार पूरा का पूरा एक ही है। तो ये न्यूक्लियस जो है वो एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे हैं, विच शेयर अ कॉमन साइटोप्लाज्म। तो इसके लिए याद रखना, जब ये सेल्स में डिवाइडेड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, देयर इज अ कॉमन साइटोप्लाज्म फॉर डिफरेंट न्यूक्लियस, ठीक है। तो अलग अलग न्यूक्लियस के लिए क्या है, सेम साइटोप्लाज्म है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सीनोसाइटिक कंडीशन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, सीनोसाइटिक कंडीशन कहते हैं, ठीक है। और यही हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं से फ्रेम हुआ था, यहीं से क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया था जेट के अंदर, बिल्कुल सिंपल सा, सीनोसाइटिक कंडीशन कौन सी फंजाई में मिलती है, इतना सा क्वेश्चन था,
ठीक है। अब हमारे पास सिनोसाइटिक कंडीशन का मीनिंग हमको पता हो एक्चुअली कि सिनोसाइटिक क्या है, तब तो आंसर देंगे, है ना। तो सिनोसाइटिक का मतलब क्या है, कॉमन साइटोप्लाज्म फॉर डिफरेंट न्यूक्लियस, उसको क्या कहते हैं, सिनोसाइटिक कंडीशन। क्वेश्चन जो है वो यही पूछा था, सिनोसाइटिक कंडीशन किसमें होती है, और आंसर क्या गया बेटा, ओमाइसीट्स के अंदर। किसके अंदर गया, ओमाइसीट्स में। और आपको जो याद रखना है वो ओमाइसीट्स याद रखना है, वो याद नहीं रखना, ठीक है। एबीटी याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक याद रख लो और तीन याद मत रखो, ज्यादा बढ़िया है, या तीन याद करो एक याद मत करो, कौन सा बढ़िया है, एक याद करना ज्यादा बेटर है ना। तो बस इतना सा याद कर लो, असेप्टेट माइसीलम किसमें, ओमाइसीट्स में है, किसमें बेटा, बाकी सबके अंदर कैसा है, सबके अंदर, बाकी सबके अंदर जितने भी हो, चाहे 50,000 हो, बाकी सबके अंदर कैसा है, सेप्टेट है। असेप्टेट एक में मिलेगा, बस किसमें मिलेगा, ओमाइसीट्स में, बाकी सबके अंदर सेप्टेट होता है। अब कोई डाउट रहा नहीं, एक ही चीज याद रखी हम, एस्कोमाइसीट, बसिडोमाइसीट, ड्यूटेरोमाइसीट याद करते, उससे अच्छा एक याद कर लिया, ओमाइसीट्स, बात ही खत्म, ठीक है। ओमाइसीट्स के अंदर कोई सेप्टेट नहीं प्रेजेंट होता है, असेप्टेट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिनोसाइटिक कंडीशन कहते हैं, ठीक है। अब आपका जो काम है वो बता दूं, ओमाइसीट्स के अंदर जो हमारी फंजाई आती है उसका नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है अगर आपसे डीप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ ले तो आपको कह सकता है एल्ब्यूगो कैंडिडा में कैसा माइसीलियम प्रेजेंट है, तो एल्ब्यूगो कैंडिडा किसकी है, ओमाइसीट्स की है। अभी हमको नहीं पता ना, अभी हम नहीं जानते, कोई बात नहीं, हम जब हमारी आगे डिजीजेस पढ़ेंगे, अभी इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो क्लासिफिकेशन टाइम पे सारी चीजें आ जाएगी, ओके, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है कि हमारे लॉजिक को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, ओके। हमने याद कर लिया सिनोसाइटिक कंडीशन क्या है, सिनोसाइटिक कंडीशन किसमें मिलेगी, ओमाइसीट्स के अंदर। अब हम ये याद कर लें कि ओमाइसीट्स की फंजाई कौन सी है, तो एग्जामिनर चाहे जिस भी लेवल पर क्वेश्चन बनाए, हम गलत नहीं कर सकते उसको, है ना। तो हमारे लिए वो एक बहुत ही अच्छा चांस हो जाएगा, ओके। चलो समझ में आ गया, तो ओके नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला कैरेक्टर जो है हमारे पास वो कौन सा है, न्यूट्रिशन, कौन सा है, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हमें किसकी बात करनी है, हमारी जो फंजाई है उस फंजाई के अंदर न्यूट्रिशन की बात करनी है, किसकी बात करनी बेटा, न्यूट्रिशन की बात करनी है, कि इसके अंदर न्यूट्रिशन जो है वो कैसा होता है, ठीक है। तो हमको ये तो पता है बेटा कि इट डूज नॉट हैव क्लोरोफिल, कौन सा है बेटा, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है। देयरफॉर दीज आर मोस्टली हेटेरोट्रॉप्स, कैसे होते हैं बेटा, हेटेरोट्रॉप्स, मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट रहने वाले हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ कैसे होते हैं बेटा, एब्जॉर्प्टिव होते हैं, कैसे होते हैं, एब्जॉर्प्टिव, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉप्स का मतलब आपको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है ना। एब्जॉर्प्टिव क्या होता है वो समझ लो, वेरी गुड, एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्प्टिव का मतलब क्या है, विच एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्टिव ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो फंजाई क्या करती है, जरा सुनना, जो भी हमारी फंगल बॉडी है, ठीक है, वो फंगल बॉडी क्या करती है, अपनी जो बॉडी है इसके बाहर यहां से क्या करती है बेटा, एंजाइम सीक्रीट करती है, क्या करती है बेटा, एंजाइम सीक्रीट करती है, एंजाइम सीक्रीशन होता है, ठीक है। और ये जो एंजाइम यहां पर आया है, ये जो एंजाइम हमारे फंजाई की बॉडी से बाहर निकला, ठीक है, हमने मान लिया यहां पर इन्होंने क्या करा, एंजाइम है वो सीक्रेट कर दिया, ठीक है। अब इस एंजाइम से क्या हो सकता है कि हमारे पास यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां क्या प्रेजेंट था, फूड प्रेजेंट था, क्या प्रेजेंट था बेटा, फूड, ठीक है। तो यहां पर फूड प्रेजेंट था और फंजाई ने क्या किया, अपना एंजाइम जो है वो यहां पर सीक्रेट कर दिया। अब जैसे ही हमारा फूड है वो एंजाइम के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, फूड का ब्रेकडाउन होगा ना, डिकम्पोजिशन होगा, है ना। हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, एंजाइम्स है, हम जैसे ही खाना खाते हैं तो उसका ब्रेकडाउन होता है। तो उसी तरह यहां पर फूड था और फंजाई ने क्या करा, एंजाइम सीक्रेट कर दिए, तो फूड क्या होगा वहां पर, वो डिकम्पोज होने लग जाएगा, वो टूटने लग जाएगा, ठीक है। फिर हमने यहां पर सेकंड बात कर ली कि अब जो ये फूड था वो फूड क्या होगा बेटा, वो धीरे धीरे क्या होगा, इस तरह से पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा,
ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं डीकम्पोज्ड फूड। ठीक है, कैसा फूड है बेटा? डीकम्पोज फूड है, उसका डीकम्पोजिशन हो चुका है। ओके, अब हमारी जो फंजाई थी वो फंजाई क्या करेगी बेटा? इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, फूड के जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो तो सारे अलग हो गए, टूट गए, अब तो न्यूट्रिएंट्स में अलग अलग हो गया। अब फंजाई बड़ी चालाकी से इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि बिचारी के पास दांत नहीं है, है ना, सीधी सी बात है। अब इसको अपनी लाइफ तो है, वो लाइफ तो इसको चलानी पड़ेगी ना। अब इसके पास कुछ कैच करने के लिए कुछ नहीं है। ओके, ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकती, तो इसीलिए अपनी बॉडी के एंजाइम्स को सीक्रेट करती है। फूड बाहर ही क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, फिर ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए इसकी जो न्यूट्रिशन है उसके लिए दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर याद रखने बेटा, कि एक तो कैसा होता है, हेटेरोट्रॉपिक, एंड द सेकंड वन कि इट इज एब्जॉर्प्टिव इन नेचर। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेगी लेकिन कैसा लेगी, एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में लेगी, उसको कभी काटेगी नहीं। ओके, सिर्फ उसे एब्जॉर्ब करेगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लें। अगला जो है हमारे पास बेटा वो क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। ठीक है, कैसा है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ओके, न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं फंजाई के अंदर, तो एक तो नॉर्मल हम बात कर लें न्यूट्रिशन की। ओके, एक न्यूट्रिशन जो हमारे पास टाइप है बेटा वो कौन सा है, ऑटोट्रॉप। कैसा है? ऑटोट्रॉप। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स कौन होंगे बेटा, विच हैव क्लोरोफिल इन देयर सेल्स। कौन होंगे बेटा? विच हैव क्लोरोफिल इन देयर सेल्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। अब दूसरे जो होंगे बेटा वो हमारे पास कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉप्स होंगे। कैसे होंगे? हेटेरोट्रॉप्स होंगे। ठीक है, जिनके पास क्या नहीं है बेटा, क्लोरोफिल नहीं है, उसको कहेंगे हेटेरोट्रॉप, जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे। ओके, अब दूसरों पर डिपेंडेंट रहने वाले जो हैं वो हमारे पास अलग अलग टाइप के हैं। ओके, चलिए, एक तो जो होते हैं बेटा उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। ओके, दूसरे जो है हमारे पास उनको हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेप्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो हम इसके लिए और कह सकते हैं, ठीक है, बस ये है। ओके, फिर एक हम यहां पर कह सकते हैं डेट्राइटिवोर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डेट्राइटिवोर्स। ठीक है, और एक लास्ट हमारे पास जो है बेटा वो कैसे हैं, सिम्बायोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? सिम्बायोटिक। अब ये चार टाइप के हमारे पास अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इनको हमने समझ लिया तो एक बहुत अच्छा जो हमारे पास नॉलेज बैंक है वो हम अपना बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा हमारे पास टाइम है इस चीज का। ठीक है, आपने पैरासाइट पढ़ रखा है, पैरासाइट आप जानते हैं, विच लिव्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी पर आकर जोंक चिपक गई, या फिर हम बात करें कोई दूसरा और लिविंग ऑर्गेनिज्म उस पर कोई और आकर रहने लग गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे। वो हमने समझ लिया, हमने सेप्रोफाइट नहीं समझा, हमने डेट्राइटिवोर नहीं समझा, हमने सिम्बायोन जो है वो नहीं समझा। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान रखें, पैरासाइट के लिए जरूरी क्या है वो देख लें। पैरासाइट का मतलब क्या है, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और अदर ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी क्या है, वो कैसा होना चाहिए बेटा, लिविंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लिविंग होना चाहिए। अगर हम बात करें कि हमारा ऑर्गेनिज्म जिससे वो फूड ले रहा है उसकी डेथ हो जाती है, तो हम उसको कभी भी पैरासाइट नहीं कहेंगे। ठीक है, उसको सेप्रोफाइट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सेप्रोफाइट। ठीक है, तो पैरासाइट समझ में आ गया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहा है। सेप्रोफाइट की बात करें बेटा, तो सेप्रोफाइट जो है वो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। किससे होगा बेटा? डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है,
ऑर्गेनिक मैटर, या हम कह सकते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो जितने भी हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे अगर कोई अपना फूड लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल्स क्या, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, जो हमारे इंसेक्ट्स हैं वो, ठीक है। इंसेक्ट्स जो है पैरासाइट भी रहते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा कोई डेड बॉडीज है तो उसके ऊपर चींटियां या फिर दूसरे इंसेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो वो जो इंसेक्ट है मक्खियां वगैरह उसके ऊपर आ जाती है, तो वो क्या है बेटा, सेप्रोफाइट्स है। क्या है वो? सेप्रोफाइट्स। तो क्योंकि वो अपना फूड जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से ले रही है। ओके, फिर हम बात करें बेटा डेट्राइटिवोर्स क्या होते हैं, ठीक है। डेट्राइटेशन का मतलब क्या होता है? डीकम्पोजिशन। क्या मतलब होता है? डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो डेट्राइटिवोर्स क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स विच फूड फ्रॉम डीकम्पोज्ड फूड, किससे करते हैं बेटा, डीकम्पोज्ड फूड से अपना फूड लेते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो डीकम्पोज हो चुकी है, ओके। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म था उसकी डेथ हुई, तो उस डेड ऑर्गेनिक मैटर से या डेड ऑर्गेनिज्म से कोई फूड ले रहा है उसको तो क्या काम है, सेप्रोफाइट, ठीक है। अब वो ऑर्गेनिज्म हमारी सॉइल में रहकर क्या हो गया, डीकम्पोज हो गया, ओके। अब जो वहां से न्यूट्रिशन लेगा उसको हम क्या कहेंगे, डेट्राइटिवोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? डेट्राइटिवोर्स, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डेट्राइटिवोर्स आपके लेवल पर वैसे तो नहीं पूछा जाता, पर नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट बात करें बेटा सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म? सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। इसके लिए हमें ध्यान रखना है ये क्या होते हैं बेटा, ऑर्गेनिजम्स विच लिव विद अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एंड बेनिफिट ईच अदर, ठीक है। जो खुद को और दूसरों को क्या करते हैं, बेनिफिट करते हैं। जैसे हम क्लास में हैं, ओके। जैसे मैं बात करूं, मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूं, आप पढ़ने आ रहे हैं, तो वी आर द सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कर रहे हैं बेटा, आप यहां पे क्लास में पढ़ते हो तो मेरा मन लगा रहता है, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है। दूसरा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप मुझसे नॉलेज ले रहे हो, तो मतलब आप मुझे क्या दे रहे हो, मन की खुशी दे रहे हो। सो आई एम बेनिफिटेड बाय यू। और आपको क्या मिल रहा है, आपको कुछ नॉलेज मिल रही है, तो आपको भी बेनिफिट मिल रहा है। तो हम दोनों क्या है, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म से, जिनको क्या हो रहा है, एक दूसरे से फायदा हो रहा है। दूसरे टर्म्स में देखना चाहो तो बहुत ईजी है। घर में हम बात करें, मम्मी पापा रहते हैं, ठीक है, हम रहते हैं, तो आप और मम्मी पापा जो हो आप दोनों क्या हो, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। अगर आप घर पर रहोगे, घर पर रह के मम्मी की हेल्प कराओगे, ठीक है, तो मम्मी बड़ी राजी रहती है ना। वो आपके लिए अच्छा खाना बनाएगी कि नहीं, मेरा राजा बेटा, मेरे राजा बेटे को ये अच्छा लगता है, आज उसके लिए ये बनाऊं, है ना, होता है ना, है ना। लेकिन अगर आप घर पे रहो और आप कुछ काम नहीं करो, ऊपर से दो चार काम और बिगाड़ दो, तो फिर जूते भी जल्दी पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, खत्म होने लग जाती है, ठीक है। तो जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं एंड दे हैव द टेंडेंसी टू बेनिफिट ईच अदर, इज नोन एज सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे उसे? सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल्स आप जानते हो, जानते हो ना, नहीं जानते? राइजोबियम का नाम सुना है? कहाँ रहता है बेटा? पल्सेस के अंदर कहाँ रहता है? जड़ों में रहता है, इनसाइड द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये हमको पता है ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, बैक्टीरिया रह रहा है कौन, राइजोबियम। कहाँ रह रहा है? लेग्यूमिनस रूट्स के अंदर रह रहा है। तो राइजोबियम हमारी रूट्स को या प्लांट को क्या फायदा पहुंचा रहा है? वेरी गुड, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके उसको दे रहा है कि भैया तू नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, मैं नाइट्रोजन लेके आता हूँ, तू ले, तू क्या कर, अपनी ग्रोथ कर। फिर अब बेचारे प्लांट को भी दया आ जाती है, यार इतना सा ऑर्गेनिज्म है बेचारा, दिखता भी नहीं मेरे को, तो वो मेरे लिए इतना काम कर रहा है, नाइट्रोजन ला रहा है, मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ। तो वो प्लांट क्या करता है, उसको फ्री में प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। और कार्बोहाइड्रेट का दूसरा मतलब क्या है? एनर्जी। क्या मतलब है? एनर्जी। तो वो राइजोबियम को एनर्जी प्रोवाइड करता है कि तुझे भी जिंदा रहना है, मुझे भी रहना है, तू मुझे नाइट्रोजन दे, मैं तुझे कार्बन
सॉरी कार्बोहाइड्रेट दे दूंगा, ठीक है, तो वो एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। ओके, तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कोई डाउट रहा बेटा इसके अंदर? नहीं, तो उसके एग्जाम्पल्स भी हैं, वो सारे हम बात करेंगे, सब आएंगे एक साथ, चार पांच हमारे पास एग्जाम्पल्स, हम बात करेंगे, ठीक है। पैरासाइट्स की बात आ गई बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहता है उसको पैरासाइट कहा। सेप्रोफाइट मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करता है। यहाँ पर याद रखने वाली जो चीज है बेटा वो इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना सेप्रोफाइट्स का। एक है हमारे पास कौन सी, राइजोपस, कौन सी बेटा? सेकंड जो है बेटा वो कौन सी है, म्यूकर, कौन सी है, म्यूकर, ठीक है। और तीसरी जो है हमारे पास वो कौन सी बेटा, एगेरिकस, कौन सी है। ये तीन जो है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं किसके, सेप्रोफाइट्स के। ओके, और ये एग्जाम में पूछे हुए। म्यूकर और राइजोपस क्या है बेटा, जो हमारी ब्रेड मोल्ड होती है, आपने ब्रेड पे देखा है, रोटी पे देखी है कभी, फंजाई लग जाती है, वो क्या होती है, म्यूकर होती है। क्या होती है, म्यूकर। ओके, जिसको हम वाइट मोल्ड या ग्रे मोल्ड भी कहते हैं, देखा, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी वाइट सी या ग्रे सी होती है, और बिल्कुल पतली पतली, अपन हाथ से ऐसे हटाए तो हट जाती है आराम से, है ना। चल, तो राइजोपस, म्यूकर और एगेरिकस, ये तीनों कैसी होती है बेटा, सेप्रोफाइट्स होती है। कैसी होती है, सेप्रोफाइट्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, मेन पैरासाइट्स की बात करेंगे। इसको लिख लिया, ओके, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमें जो बात करनी है बेटा वो मेन किसकी करनी है, पैरासाइट्स की करनी है। किसकी करनी है, जब पैरासाइट्स की हम बात करते हैं बेटा तो हमारे पास दो अलग अलग इसके पार्ट्स आते हैं, ठीक है। एक पार्ट तो वो होता है जिसके अंदर कौन आता है बेटा, ऑब्लीगेट पैरासाइट आता है। कैसा आता है, ऑब्लीगेट पैरासाइट, ओके। और दूसरा जो है बेटा वो कौन आता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट। कौन सा आता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट, ओके। चलिए अब यहां पर इन दोनों का जो मतलब है वो समझ लो, इसको इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है। ऑब्लिगेट पैरासाइट की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, अविकल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओके। और फैकल्टेटिव की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, विकल्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओ सॉरी, विकल्पी कहा जाता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अविकल्पी या विकल्पी का मतलब क्या होता है, चलो ये बताओ। जिसके पास विकल्प हो उसे हम क्या कहते हैं, विकल्पी, ओके। विच हैव एन ऑप्शन, जिसके पास एक ऑप्शन पहले से प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे विकल्पी, और जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको क्या कहेंगे, अविकल्पी कहेंगे। तो बिल्कुल वही कह दो और क्या, इतना सा तो करना है, ठीक है। विच डू नॉट हैव ऑप्शन, तो हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म विच इज ओनली एंड ओनली पैरासाइट, ठीक है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पैरासाइट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट कहेंगे, ठीक है। अगर ऑब्लिगेट पैरासाइट है जिसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, अगर उसका होस्ट मर गया तो क्या होगा, बिल्कुल उसकी भी डेथ हो जाएगी। बिकॉज उसकी एबिलिटी क्या है, ओनली टू लिव एज अ पैरासाइट, वो सिर्फ पैरासाइट की फॉर्म में रह सकता है। अगर पैरासाइट की फॉर्म में नहीं रहेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। वो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है ना, वो बिल्कुल हमारी तरह है। हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो वी आर एरोबिक ऑर्गेनिज्म। हमको कह दे कि वहां कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा है गुब्बारा, तुम उसमें जाके बैठ जाओ, कितनी देर रह पाएंगे, कुछ सेकंड्स, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। बिकॉज वी आर एरोबिक ऑर्गेनिज्म, हम एरोबिक हैं, हम एनएरोबिक नहीं है, ओके। सेकंड हम बात करें, एक इसी के अंदर आ जाता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्लीगेट सेप्रोफाइट। क्या बोलते हैं, ओ सॉरी, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट नहीं, इसको याद करें, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट, ठीक है। चारों आ जाएंगे, इनके अंदर चार हमारे पास है। ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट का मतलब क्या हो गया, जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेप्रोफाइट, ओके।
वो कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड नहीं ले सकते। सेप्रोफाइट का मतलब हमने समझ लिया था, क्या मतलब था, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। तो हम कह सकते हैं दीज आर ओनली एंड ओनली डेड ऑर्गेनिक मैटर डिपेंडेंट, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मैटर पर क्या रहते हैं बेटा, डिपेंड रहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास बेटा वो कौन सा है, एक तो है फैकल्टेटिव पैरासाइट और एक हमारे पास कौन सा है, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। ओके, अब यहां पर जो समझने वाली चीज है उसको ध्यान से सुनना। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास फैकल्टेटिव पैरासाइट है ना, तो विकल्प ही है, उसके पास विकल्प है, तो विकल्प किस चीज का है, विकल्प है ना इसके पास, फैकल्टेटिव के पास क्या है, विकल्प है, लेकिन विकल्प किस चीज का है, एक बार इसको समझो, क्योंकि यहां एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत जल्दी कंफ्यूज कर सकता है। हमने कहा फैकल्टेटिव का मतलब क्या है, विकल्पी, विच हैव क्या है उसके पास बेटा, विकल्प है, मतलब विच हैव एन ऑप्शन, ठीक है। अब उसको जब ऑप्शन मिल रहा है तो उस टाइम पे वो किसकी फॉर्म में रह रहा है बेटा, मान लो इसको विकल्प मिला मींस ऑप्शन मिला, ठीक है, और ऑप्शन मिलने पर ये किसकी फॉर्म में रह रहा है, एज अ पैरासाइट, कैसे रह रहा है बेटा, एज अ पैरासाइट रह रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसे क्या कहा, फैकल्टेटिव पैरासाइट कहा, मतलब जब इसको ऑप्शन दिया जाएगा तो ये किस फॉर्म में रहेगा, पैरासाइट की फॉर्म में रहेगा, किसकी फॉर्म में, पैरासाइट की फॉर्म में। तो ये एक्चुअली में क्या था, सोचो, हमने कहा कि सर जब इसको हम ऑप्शन देंगे, जब इसको विकल्प देंगे, तो उस समय पर, उस टाइम पर ये कैसा बिहेव करेगा, पैरासाइट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली कैसा था, एक्चुअली पैरासाइट ही था, तो उसको ऑप्शन दिया तब भी वो पैरासाइट ही रहा, तो इट शुड बी कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट, तब तो ऑब्लिगेट पैरासाइट होना चाहिए। अब सोच के बताओ, ये एक एग्जांपल मान लो, आप एक अच्छे इंसान हो, ठीक है, मान लेते हैं एक अच्छे इंसान हो, ठीक है, आपने 100 लोगों का भला किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन एक गुंडा आ गया, वो आपको रोज परेशान करता है, आपने उसको बोल भी दिया कि भैया परेशान मत करो ऐसे मुझे, मैं सीधा साधा आदमी हूं, मुझे परेशान मत करो, वो फिर भी नहीं मान रहा, वो रोज आपको परेशान करता है, ठीक है, आपको क्या आया, गुस्सा आया, आपने क्या करा, आपने उस गुंडे के ऊपर चिल्ला दिया, तो आप बुरे इंसान हो गए, ठीक है। तो आप एक्चुअली क्या थे, अच्छे इंसान थे, लेकिन व्हेन यू हैव एन ऑप्शन, जब आपके पास एक ऑप्शन रहा कि नहीं यार अब तो कुछ नहीं हो रहा, अब तो एक ही ऑप्शन बचा है, तब आप क्या बने, बुरे इंसान बने। तो सेम वही चीज यहीं पर है बेटा, फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब क्या है कि वो ओरिजिनली क्या थे, क्या थे, ओरिजिनली सेप्रोफाइट थे, क्या थे, सेप्रोफाइट, लेकिन जब उनको क्या दिया गया, ऑप्शन दिया गया, तब वो क्या बन गए, पैरासाइट बन गए, क्या बन गए, पैरासाइट। आ गई बात समझ में, ठीक है, अब तो क्लियर। अब मुझे इसका बता दो, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट क्या होंगे, समझ में आ गया तो जल्दी से बता दो, वही सेम चीज वापस पूछ रहा हूं, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है तो वो ओरिजिनली क्या थे, ओके, क्या थे, पैरासाइट, और जब ऑप्शन मिला तब क्या बने, सेप्रोफाइट बने, ठीक है। तो ये ओरिजिनली क्या था बेटा, पैरासाइट थे, और जब इनको ऑप्शन मिला तब ये क्या बने, सेप्रोफाइट बने, ठीक है। यही चीज हमको यहां पर याद रखनी है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा फ्रेम होता है, द ऑर्गेनिजम्स विच आर ओरिजिनली पैरासाइट बट कैन बी लिव, या फिर कह सकते हैं कैन लिव एज सेप्रोफाइट्स आर नोन एज ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट, फैकल्टेटिव सेप्रोसाइट, बस आंसर आ गया, बताओ, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, हमारा आंसर हमारे सामने है, बस इतना सा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फ्रेम होता है,
और अगर हमारा कॉन्सेप्ट जरा भी उल्टा हो गया ना तो हमारा आंसर बदल जाएगा। इसलिए हमें ये चीज याद रखनी है कि फैकल्टेटिव का मतलब क्या है, ऑप्शन है। क्या मतलब है? ऑप्शन। जब ऑप्शन देंगे तो कैसा रहेगा? पैरासाइट रहेगा। मतलब ओरिजिनली कैसा है? सेप्रोफाइट है। और अगर हम फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट कहेंगे मतलब ओरिजिनली क्या है? पैरासाइट है। जब ऑप्शन नहीं होगा कुछ भी उस टाइम पर वो कैसा हो जाएगा? सेप्रोफाइट। ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो कहाँ रहता है, पैरासाइट की फॉर्म में रहता है, अपने होस्ट पर रह रहा है, आराम से खा रहा पी रहा मजे कर रहा है, और उसे एक दिन उसका पैरासाइट है, उसकी डेथ हो जाती है। अब क्या करेगा बेचारा? तो वो सेप्रोफाइट की तरह रह रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट कहेंगे। कोई डाउट रहा इसके अंदर? नहीं, क्लियर है? चलिए ओके। न्यूट्रिशन हमने कर लिया, ठीक है। अब इसी के अंदर हमने बेटा, हाँ लाइक है, हमने इससे पहले जस्ट अभी समझ लिया था, एक तो हो गया हमारा हीटरोट्रॉप, उसके अंदर पैरासाइट हो गया, सेप्रोफाइट हो गया, डेट्राइटिव, वो लास्ट में क्या था? सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म था। सिम्बायोटिक का मतलब समझ लिया था, क्या मतलब था? व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड दे बेनिफिट ईच अदर। जब वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हमारे पास जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बात करनी है, ठीक है? हाँ, सिम्बायोटिक के, ठीक है? इसके अंदर दो वर्ड है हमारे पास, एक तो होता है सिम, ठीक है, एक कौन सा है बेटा? बायोटिक। कौन सा है? या बायोटा कह सकते हैं हम, ठीक है? सिम का मतलब होता है टुगेदर, क्या मतलब होता है? और बायोटा का मतलब होता है बेटा ऑर्गेनिज्म, क्या मतलब है? ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो हम क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनिजम्स विच लिव टुगेदर एंड बेनिफिट ईच अदर आर नोन एज सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे बेटा उसे? सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। कोई डाउट नहीं इसके अंदर? अब तो समझ में आ गया अच्छे से। दो लोग एक साथ रहने चाहिए, एक दूसरे को फायदा पहुंचाने चाहिए, और कोई मतलब नहीं है किसी से भी, ठीक है? उसे हम क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। हमारे पास जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम में सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन नहीं पूछता, एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है? पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? लाइकेन है। कौन सा है? लाइकेन। और अगर हम बात करें ये जो हमारा लाइकेन है ये क्या चीज होती है, तो याद रखना ये क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। कैसी बेटा? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। किसकी होती है वो ध्यान रखना, ठीक है? एक तो होती है इसके अंदर एल्गी, क्या होती है? और एक होती है फंजाई, क्या होती है? फंजाई, ठीक है? तो दो ऑर्गेनिज्म एक साथ है, एक है एल्गी और एक है फंजाई। अब मुझे एक बात बताओ, एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है क्या? काई, देखिए काई, देखिए ना, उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। फंजाई के अंदर क्लोरोफिल होता है क्या? नहीं होता है। एल्गी जो है ना बेटा, पानी के ऊपर जो तैरती हुई दिखती है हरे हरे रंग की, वो एल्गी है, ठीक है? तो एल्गी के अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, पर फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं है। तो यहां पर पैरासाइट कौन है? फंजाई होगी, और कौन होगा बेटा? फंजाई तो होगी ना, ये तो बिचारी अपना खाना खुद बना रही है, तो इट इज एन ऑटोट्रॉप। तो यहीं से याद रखना, इन दोनों के अंदर ऑटोट्रॉप और हीटरोट्रॉप कौन है? फंजाई जो है वो क्या होती है बेटा? ऑटोट्रॉप होती है। क्या होती है? ऑटोट्रॉप। और फंजाई है ये क्या होती है? हीटरोट्रॉप होती है, ठीक है? ये पहली चीज याद रखने वाली, वो यहां से याद रखनी है, ठीक है? दूसरी चीज की हम बात करें कि ये जो एल्गी है ये वर्क क्या करती है, ठीक है? किसका? अरे फंजाई के लिए क्या करती है? अपने लिए नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, देखो ऑटोट्रॉप है ना, ये सही है बिल्कुल। अब ये क्या है? ऑटोट्रॉप है। इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड, अपना फूड खुद बना रही है। तो अपना बना रही है तो ये थोड़ा सा फंजाई का भी बना देती है साथ में, कि तू भी ले ले, कोई बात नहीं, दोनों बहनें साथ मिलकर रहेंगी, ठीक
ठीक है। तो ये जो एल्गी है बेटा, इट वर्क्स एज, या फिर ये किसमें करता है बेटा, टू प्रिपेयर फूड, किसके लिए करता है, प्रिपेयर द फूड, ठीक है। या हम कह सकते हैं इसको बेटा दूसरे वर्ड्स के अंदर, इट प्रिपेयर्स कार्बोहाइड्रेट, क्या प्रिपेयर करता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फंजाई की, कि फंजाई क्या करती है, ठीक है, तो फंजाई के लिए अभी हमने न्यूट्रिशन देखा था बेटा, एक तो हीटरोट्रॉपिक था और दूसरा कौन सा था, एब्जॉर्प्टिव था, कौन सा था, मतलब एब्जॉर्ब करने वाला। तो ये क्या करती है, अपनी बॉडी से बाहर न्यूट्रिएंट्स को, नो सॉरी, एंजाइम्स को सिक्रेट करती है, यही काम था ना, यही समझा था। तो अब ये फंजाई क्या करती है कि अपनी बॉडी से बाहर एंजाइम सिक्रेट करती है, और जो भी नीचे पत्थर या रॉक होती है उसमें से न्यूट्रिएंट्स अलग हो जाते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन कर लेती है, ठीक है। उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स अपने पास रख लेती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स फंजाई को दे देती है, तो फंजाई की भी ग्रोथ हो रही है, इसकी भी ग्रोथ हो रही है। तो इसका वर्क क्या होता है बेटा, टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, क्या करती है बेटा, ये न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है, किसको सप्लाई करती है, एल्गी को, किसको करती है बेटा, एल्गी को, ठीक है। बस यहां तक इतना ही बात करनी थी, इससे ज्यादा नहीं करनी थी। आगे जो बात करनी है बेटा वो हमें लाइकेन के लिए करनी है, ठीक है। पहली हमने बात कर ली है सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका है, एल्गी और फंजाई का। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है प्लेस, कि ये कहां पर मिलता है, ठीक है। तो कहां मिलता है बेटा, नियर सी शोर, कहां मिलता है बेटा, ठीक है, समुद्र के किनारे मिलता है, ठीक है। यहां पर नहीं मिलेगा, पूरे राजस्थान में ढूंढने जाओ तो नहीं मिलेगा, ठीक है। कहां मिलेगा, जहां पर समुद्र है, जहां पर पानी अच्छा है, उस जगह मिलता है, ठीक है, बिलवाड़ा मिल जाएगा, है ना। चलो आयत नदी। नेक्स्ट बात करें लाइकेन का वर्क क्या होता है, ठीक है। यहां पर हमने वर्क किसका बात कर रहे थे, एल्गी और फंजाई का। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्क की, लाइकेन की, कि लाइकेन क्या कर रहा है सर। तो लाइकेन के लिए याद रखना, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। ये किसका इंडिकेटर होता है बेटा, पॉल्यूशन का, और पॉल्यूशन में भी कौन सा है, एयर पॉल्यूशन है, कौन सा है बेटा, एयर पॉल्यूशन। इसको मैं अलग इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन हमारे ये पास यहां लिखा हुआ है, ये तो पूछा हुआ है जेट ने, ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है बीएचयू ने, ठीक है। बीएचयू को ये पता लग गया कि बच्चों को पता है कि ये पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, तो उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसने लिख दिया सोयल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या जी गया बेटा, वहां एयर पॉल्यूशन गया। इसका मतलब क्या है, जिस जगह एयर पॉल्यूशन है उस जगह लाइकेन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए तो हमने इंडिकेटर कहा ना, हम गाड़ी चलाते इंडिकेटर देते हैं, लेफ्ट में मुड़ना है, तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट में मुड़ रहे हैं। कई लोग थोड़े से अच्छे होते हैं, वो लेफ्ट का इंडिकेटर दे के राइट में मुड़ जाते हैं। नहीं, बिना इंडिकेटर के चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में भी आता है कि ठीक है इंडिकेटर नहीं दिया, लेकिन अगर आप लेफ्ट का इंडिकेटर दे के राइट में मुड़ जाओ तो चलो आगे बात करें। अब वो पापा की परी है या मम्मी के मगरमच्छ है, वो अलग बात है। चलो समझ में आ गया लाइकेन, ओके। आगे बात करें बेटा, नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, माइकोराइजा, कौन सा है बेटा, माइकोराइजा, ओके। माइकोराइजा जो है वो हम कल बात करेंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे आराम से, ओके। माइकोराइजा है, थोड़ा सा बड़ा है, इसकी डिस्कवरी भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं वो भी चीज़ है, ठीक है। तो इसको अपन कल देख लेंगे, ठीक है। आज जो पढ़ा है बेटा वो ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा है वो रिवाइज किया, करके आए हो रिवाइज, ठीक है। तो पैथोजन क्या होता है, पैथोजन डेफिनेशन, व्हाट इज अ पैथोजन, ओके, डिजीज क्रिएट होती है। क्लोरोसिस क्या होता है, पत्तियां, सर तो जलने के बाद वो पत्ते, वेरी गुड, वेन्स नहीं बेटा, क्लोरोसिस का सिंपल मीनिंग है लॉस ऑफ क्लोरोफिल, ओके। क्लोरोफिल का डैमेज होना या क्लोरोफिल का खत्म होना इज नोन एज क्लोरोसिस, सिंपल से। अब अगर वो क्लोरोफिल का जो डैमेज हो रहा है वो वेन्स के अंदर हो रहा है, तो हम उसको क्या कह देंगे, हमारे वेन्स का क्लोरोसिस।
और अगर वेंस के बीच में हो रहा है, वेंस ग्रीन दे रही है और बीच में क्लोरोसिस है, तो हम उसको इंटरवीनल क्लोरोसिस कह देंगे, बस वेंस के बीच में क्लोरोसिस। एक हमारे पास इसके अंदर था बेटा कि हमारे फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है वर्ल्ड में, जहां पर कुछ हुगो डिवरीज, तो म्यूटेशन किसने को जाता एंटोन डी बेरी, ठीक है, एंटोन डी बेरी। और दूसरा इंडिया के अंदर कौन थे, ईजे बटलर थे, वो हमें अच्छे से याद है। बंगाल फेमिन कब आया था, नाइनटीन फोर्टी थ्री में आया था, ठीक है। और प्रोफेसर पी ए मिलार्डेट ने बोर्डो मिक्सचर की डिस्कवरी कब करी थी, वेरी गुड, 1885 में करी थी, ठीक है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स किसकी वजह से होता है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स किसकी वजह से होता है, एक फंजाई है उसका नाम बताओ, वेरी गुड, प्लाज्मोपोरा विटिकोला, ठीक है। बंगाल फेमिन कौन सी डिजीज की वजह से आया था, राइस की डिजीज नहीं है, क्रॉप है वो, डिजीज का नाम पूछ रहा हूं मैं, व्हाट वाज द डिजीज, कौन सा लीफ स्पॉट, ब्राउन येलो ब्लैक ब्राउन, ठीक है, उसका नाम अच्छे से याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, बीएलएस कहते हैं, लिखना चाहो तो उस जगह लिख लेना, ठीक है, बीएलएस कहा जाता है उसको, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ठीक है। वो किसकी वजह से था बेटा, हेलमिन तो स्पोरियम और राइजी की वजह से, ठीक है, उससे होता है, हाँ हेलमिन तो स्पोरियम और राइजी की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो था हमारे पास कि हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी डिस्कवर हुई थी प्लांट डिजीजेस के लिए, वो कौन सी थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, प्रेजेंट में हम साइक्लिन यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन यूज करते हैं। और लास्ट हमने बात करी थी बेटा कार्बोक्सिन की, इसके लिए क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं वो ये कि कौन सा सिस्टमेटिक फंजीसाइड है, तो हमें याद रखना है कौन सा है, कार्बोक्सिन है, ठीक है, हाँ कुलका और स्मेलिंग, ठीक है, स्मेलिंग और कुलका, इन दोनों ने इसकी डिस्कवरी करी थी, इसको अच्छे से याद रखना। फिर आज जो चीज़ें पढ़ी हैं, आज की चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक बार सिर्फ डेफिनेशंस जो हैं इनको आप देख लेना। एक चीज़ जो है और अच्छी करना चाहते हो तो वो आपके लिए एक एडवाइस है कि जो भी डेफिनेशंस आप पढ़ते हो उन डेफिनेशंस को आप सिंगल एक लाइन में लिख सकते हो, है ना। पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब क्या है, विच लिव ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एक लाइन में लिखना हो तो फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, बस चार वर्ड्स लिखने। तो इस तरह से आपकी जो डेफिनेशंस है इनको आप क्या करो बेटा, कॉपी के पीछे के पेजेस ले लो, कॉपी में उल्टा चलना आता है, कैसे चलते हैं उल्टा, लास्ट पेज फिर उससे पहले फिर उससे पहले, लास्ट पेज से स्टार्ट करो, अच्छा तो वही करते हैं हम। तो आपको क्या करना है, उल्टा चलना है, लास्ट पेज से स्टार्ट करो, आपकी जितनी भी डेफिनेशन आती है, वेदर इट इज एग्रीकल्चर बायो और केमिस्ट्री, आपको क्या करना है, एक लाइन में उस डेफिनेशन को लिख लो, ठीक है, तो आपके पास वो वर्ड भी आ जाएगा, उस वर्ड का डिस्क्रिप्शन भी एक लाइन में आपके पास आ जाएगा, और जब आपको डेफिनेशंस जब पढ़नी हो या रिवाइज करनी हो उसी को रिवाइज कर लो और क्या, ठीक है। तो आपको जो बड़ी बड़ी चीजें आपके 3-4 लाइन की डेफिनेशन है उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको वहां पर कहीं एग्जाम में कोई नहीं कहेगा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन लिखो, आपको सिर्फ टिक करना है और क्या करना है ना। तो आपको टिक करने के हिसाब से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट के लिए आप क्या करो, उन डेफिनेशंस को लिख लो, और जब आप एक साथ लिख लोगे ना तो आप कंपेयर भी अच्छे से कर पाओगे, और उसको याद करने में भी, दो डेफिनेशन पढ़नी है तो 10 डेफिनेशन एक्स्ट्रा पढ़ोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल हो सकता है, ओके।